डीजी चीफ सेक्रेटरी तू सोया कह रहे उठ रहे सो मोटो पकड़ रहे गवर्नर डिसमिस कर उसे। 10 तारीख को मेरा पर्स कॉन्फ्रेंस हुबली में करी हूँ मैं, लेकिन मैं शरीयत के तहत हूँ तो अमना किसी की भी पूछने की जरूरत नहीं। दफनाते टेम्पो कफन कैसा देना पार्टी को पूछ दे क्या? मट्टी डालते टेम्पो कैसा मट्टी डालना पार्टी को पूछ दे क्या? सवाल सिंपल है, कभी भी हिजाब 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 हमारे लोग भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हिजाब का माना क्या? पल्लो, बुरखा अलग है हिजाब अलग है, सर का पल्लो अलग है बुरखा अलग है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी इज्जतदार औरत है बगैर पल्लो के नहीं है, हिंदू रहो मुस्लिम रहो इंदिरा गांधी रहो प्रतिभा पाटिल रहो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कित्तूर चन्नम्मा पर्दा सर पे डाल के जंग लड़े। पर्दा नको बोलते क्या? बुरखा कॉलेज के बाहर खोल कर रखो है ठीक है, जब कॉलेज के अंदर गए तो सर के ऊपर पल्लो नको कर की बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे। ओरिजिनल कोर्ट के सामने भी यही उठना था, हिजाब हिजाब वो कल मुस्लिम कल्चर मुस्लिम कल्चर, इंदिरा गांधी पल्लो डाली मुस्लिम कल्चर क्या? कित्तूर चन्नम्मा पर्दा डाली सर पे मुस्लिम कल्चर क्या? इट इज नॉट ए मुस्लिम, औरत की लाज है वो, सर पर पल्ला जो है औरत की लाज है। तो औरत को बगैर लाज के फिरो बोल के कौन गवर्नमेंट बोलती कौन कोर्ट बोलता? तो मेरी दरख्वास्त यही है कि अभी फॉरेन एडवोकेट जो है हाईकोर्ट के अंदर इंटीरियम एप्लीकेशन डाल के द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड पर्दा, व्हाट इज पर्दा व्हाट इज हिजाब, ये फर्स्ट इसका क्लैरिफिकेशन जजेस को पता है क्या? ये चीज जो है उठाना जरूरी है। तो इसलिए मैं रियासत के पूरे आवाम को कहता हूँ हिजाब का नाम ही मत लो, सिर के ऊपर पल्लो नको कर रही सिर के ऊपर पर्दा नको कर रही, क्या करना है हमें ये सुनो उठाओ। ये अगर उठे कोई हिंदू भी जो है आपको खिलाफ नहीं करता, ए थली मेल शर्गा को बैड अंतर यावन हेड़ मुंडे मगा करी रही पूरा स्वामी है गिमिया तुम्हारे पीछे पड़ते। नंबर वन, नंबर टू यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं, तुम्हारा क्या है सलवार कमीज दुपट्टा, तुम्हें खांदे पर डालती हमें सर पर डालती फर्क होता है तो इसे लड़ाया कहीं को? अगर तुम्हें दुपट्टा है खांदे पर डालने के बजाय सर पर डाल लेते अलो करो तुम्हें, इसे कोर्ट कौन सा कोर्ट नको कर बोलता? वो जात मालूम होती अब नाम से नहीं मालूम होती क्या? अब कॉलेज में अटेंडेंस पुकारते स्टेम को फातिमा बी वणजाक्षी मीनाक्षी जहीरा बेगम, अब क्लास में ये कथा आनाकर को नामा भी अलग रख लेना। अरे बेवकूफ आई, तुम्हारा धर्म आइडेंटिफाई होता फिर नामा तो धर्म के छे, फातिमा हाजर हो सर तो मालूम आनी ना मुसलमान नहीं कर को, जहरा भी हाजर हो मालूम आनी मुसलमान, मंजुला लक्ष्मी मालूम आनी उन्हें हिंदू के। अरे बेवकूफा तुम्हें क्लास में सो बच्चा को इसकी फिक्र नहीं है, बाहर जो है जो काम नहीं सो बैठे सियासतदान उनको इसकी फिक्र है कि भाई ये कर रहे तो ये पॉलिटिकल एजेंडा इन कोशिश कर रहे। गो हत्या उनकी अम्मा फेल हो गई, बस स्टैंड में गया ज्यादा हो गए वो चला नहीं, राम मंदिर किस्सा खत्म होगा कोई। अब ये दुपट्टा देखे ये भी बहुत जोर से पकड़ता, गांव गांव में दंगे होते हैं कहीं कौन भी वहां से शाला डालने तैयार नहीं, का भी क्या शाल हो भगवा शाल है। अरे बेवकूफ मेरे बेटा था वो जाफरान शाह खाजा बंदन आवाज चिश्तिया का निशान हो, अब तुम्हें वो डाल ले फिर बड़ी खुशी की बात है, हमारे फकीरा डालती वो हमारे फकीरा डाल रही सो चिश्तिया का तुम्हें डाल रही, बड़ी इज्जत की बात है, सब हमला भी दे वो हमारे बच्चे भी डाल लेते हैं क्योंकि चिश्तिया का रंग है वो, वही रंग चिश्तिया सिलसिले का रंग है, केसरी शाह केसरी हो उन्हें वो देख हाउदरे अजमेर था हाउदरे इधे बाउट आई थे नमदे इतला का हमारा निशान है वो चिश्तिया सिलसिले का, रोसिया का हरिया है चिश्तिया का है भगवान झंडा निशान है। तो इसलिए रिफाया का काला है,
हर एक सिलसिला का एक एक निशान है, तो खादिया का हरिया है। तो तुम्हें ये भगवा डाल ले जा रही क्या कि प्रौढ़ धर्म हमना इसे तुम्हें नंगे है तो भी हमना परवाह नहीं, कपड़े पहनने कहे तो भी हमना परवाह नहीं। हमें अब जैन के स्वामी नंगे उनकी इज्जत कर रहे नहीं, हमें क्या तो बोले नहीं उनका धर्म ठीक है तुम्हें मान ले गए। अब तुम्हें वहां देवदासियां बना रही, हमें क्या तो बोले तुम्हारी आबरू, तुम्हें नहीं तुम्हें बने देवदासी हमें क्या करी। हमें हमारे में जो है भया आबरू पर्दा हमारी खूबसूरती को जो है हमें छुपा को रखना चाहती है, ये हमारा उसूल है। मैं मेरी बेटी को बाप देखना, भाई देखना, भान देखना या तो मर्द देखना, इसके अलावा कोई भी नहीं देखना, ये हमारा कानून। तो उसमें है तुमना की फिक्र रहे, मेरे बेटी हिजाब डालने से तुमना तकलीफ क्या हो रही है।